नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक व्यक्ति की जिन्होंने अपने विचारों और कार्यों से दुनिया में धनी बनने का मार्ग दिखाया, रॉबर्ट कियोसाकी की जीवनी पर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी का जन्म 8 अप्रैल 1947 हिलो अमेरिका क्षेत्र हवाई में जापानी मूल के एक परिवार में हुआ था। उनकी माँ का नाम मार्जरी ओ कियोसाकी एक मेहनती रजिस्टर्ड नर्स थी। उनके पिता का नाम रैल्फ एच कियोसाकी एक उच्च शिक्षित व्यक्ति थे जिन्होंने केवल 2 वर्षों में 4 वर्षों वाली ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की। रॉबर्ट कियोसाकी एक जापानी अमेरिकी एंटरप्रेन्योर, व्यवसायी और लेखक है। कियोसाकी रिच ग्लोबल LLC और रिच डेड कंपनी का संस्थापक है, जो एक निजी व्यक्तिगत शिक्षा कंपनी है जो किताबों और वीडियो के माध्यम से लोगों को पर्सनल फाइनेंस और कमर्शियल शिक्षा प्रदान करती है। रॉबर्ट कियोसाकी हिलो हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के तुरंत बाद वो US मर्चेंट मेरीन अकादमी चले गए। उन्होंने 1969 में अकादमी से डेक ऑफिसर के रूप में ग्रेजुएट की उपाधि प्राप्त की और वियतनाम युद्ध में गनशिप पायलट के रूप में सेवा करने पर उन्हें एयर मेडल से सम्मानित किया गया। 1975 में कियोसाकी ने मेरीन कॉर्प छोड़ दी और जेरोक्स मशीन सेलर के रूप में काम किया। 3 साल बाद उन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरू की जो वेलक्रो सर्फर वॉलेट बेचती थी। कंपनी ने कुछ समय तक अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन दुर्भाग्य से दिवालिया हो गई। 1980 के दशक की शुरुआत में कियोसाकी ने हैवी मेटल रॉक बैंड टी शर्ट को प्रमाणित करने वाले व्यवसाय में कंपनी किस्मत आजमाई। उन्होंने 1985 में यह बिजनेस बेच दिया। सफलता पाने के लिए संघर्ष करने के लगभग एक दशक बाद कियोसाकी ने 47 साल की उम्र में रिटायर्ड होने का फैसला किया। उनकी पत्नी का नाम किम कियोसाकी है और उन्होंने 1986 में शादी की थी। हालांकि 1997 में वो एक बार फिर उभरे जब उन्होंने कैश फ्लो टेक्नोलॉजीज INC की स्थापना की। ये कंपनी उनके 2 ब्रांडों रिच डेड और कैश फ्लो को शामिल करती है और चलाती है। पूरे अमेरिका में उनकी विभिन्न संपत्ति प्रबंधन परियोजनाएं चल रही है। उनकी संपत्ति में बड़े अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, होटल और गोल्फ कोर्स शामिल है, जैसा कि उन्होंने 2010 में डायलेक्स जोन्स शो में बताया था। हालांकि उन्होंने अपनी कंपनी रिच ग्लोबल LLC से नुकसान हुआ जिसने अगस्त 2012 में दिवालिया घोषित कर दिया। रॉबर्ट कियोसाकी का पुस्तक रिच डेड पुअर डेड का प्रकाशन हुआ जिसने उन्हें अपने व्यक्तिगत सोच को बदलने का रास्ता दिखाया। उनकी पुस्तक श्रृंखला रिच डेड पुअर डेड एक अंतरराष्ट्रीय बेस्ट सेलर है। यह पुस्तक 2 पिताओं को तुलना करती है, एक उसका गरीब फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहने वाले पिता और दूसरा फाइनेंशियली रिच अमीर पिता। गरीब पिता वास्तव में बहुत शिक्षित थे लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे और उन्हें इस पुस्तक पे पुअर डेड कहा गया है, और दूसरी ओर अमीर पिता ने हाई स्कूल छोड़ दिया था लेकिन वास्तव में वो हवाई के सबसे अमीर आदमी थे और उन्हें इस पुस्तक पे रिच डेड कहा गया है। अगर आपको इस पुस्तक को विस्तार पर सुनना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक पर जाके सुन सकते हैं। 1993 में कियोसाकी ने अपनी पहली पुस्तक इफ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल प्रकाशित की। अपनी पुस्तक में उन्होंने माता पिता को अपने बच्चों को कॉलेज ना भेजने और वास्तविक जीवन में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। कियोसाकी की व्यक्तिगत और व्यवसायिक शिक्षा उस पर केंद्रित है जिसे वो व्यक्तिगत शिक्षा कहते हैं। व्यवसाय और निवेश के अवसरों पर ध्यान केंद्रित करके निष्क्रिय आय उत्पन्न करना, जैसे कि रियल एस्टेट निवेश, व्यवसाय, स्टॉक और कमोडिटी, अकेले ऐसे निवेशों द्वारा स्वयं का समर्थन करने में सक्षम होने और इस प्रकार सच्ची व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ रॉबर्ट कियोसाकी अब एक प्रमुख फाइनेंस साइंस गुरु और लेखक है। उन्होंने व्यक्तिगत शिक्षा के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध है। रॉबर्ट कियोसाकी की जीवनी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धनी बनने के लिए आपकी व्यक्तिगत शिक्षा और निवेश में समझदारी होनी चाहिए। वे एक उदाहरण है कि सही दिशा में कठिनाइयों का सामना करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमारे वीडियो देखने का समय दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर आपको ऐसे ही लेखक के बारे में जानना है तो आप हमारे आई बटन पर दिए गए लेखक के बारे में जान सकते हैं। धन्यवाद, और हम जल्दी वापस आपके साथ एक नए वीडियो के साथ होंगे। तो तब तक के लिए अलविदा।